हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। जो आपका नीट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन इस पोर्शन से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है, हम इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो IUPAC नॉमेनक्लेचर में बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस क्वेश्चन तक की बात करेंगे, और वो भी ओनली नीट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, जो आपका ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का जो पोर्शन है, यहाँ पर कम से कम 4 साल में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका ये 2022 वाला एग्ज़ाम है, उसके अंदर भी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपको सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप करने की नीड नहीं है। जो भी नीट के एग्ज़ाम के अंदर IUPAC से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिन फंक्शनल ग्रुप के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं IUPAC। IUPAC के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं नीट एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, वो कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और दूसरा कौन सा आ रहा है, अल्कोहल, ठीक है, तीसरा आ रहा है एल्डिहाइड, ठीक है, और जो चौथा है वो है कीटोन, ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे आता है एसिड क्लोराइड, ठीक है, और इसके अलावा हेलो कंपाउंड्स हो सकते हैं, हेलो कंपाउंड, ठीक है, और इसके अलावा आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, आपको इन टॉपिक से यहाँ पर देखने को क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट, ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, आपका सफिक्स फर्स्ट आता है, सफिक्स फर्स्ट, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, सफिक्स सेकंड, ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास वर्ड रूट से पहले क्या आता है, यहाँ पर प्रीफिक्स फर्स्ट आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, प्रीफिक्स सेकंड आएगा, ठीक है। जनरली ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो प्रीफिक्स फर्स्ट है, यहाँ पर क्या आता है, साइक्लो कंपाउंड्स आते हैं, क्या आते हैं, साइक्लो, और ऐसे ही ये जो प्रीफिक्स टू है, यहाँ पर क्या आएगा, आपका एक्स आएगा। अब एक्स में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है एफ़ हो सकता है, सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है, और आई हो सकता है, और एक चीज़ और भी हो सकती है आर, ठीक है, आर क्या हो सकता है, एल्किल, ठीक है, और इसके अलावा एल्किनिल, ठीक है, इसके अलावा हो सकती है एल्काइनिल, ये यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वर्ड रूट हैं, वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 1 बैठते हैं, तो 1 का नाम क्या हो सकता है, मैथ हो सकता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, तो इसका नाम हो सकता है एथ, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 हैं, तो इसका नाम होगा प्रोप, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट, और अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है हमारे पास, तो इसका नाम होगा पेंट, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 बैठते हैं, तो इसका नाम है हेक्स, नंबर ऑफ कार्बन अगर 7 है, तो इसका नाम होगा हेप्ट, अगर नंबर ऑफ कार्बन 8 है हमारे पास, तो इसका नाम होगा ऑक्ट, और अगर नंबर ऑफ कार्बन 9 है, तो इसका नाम होगा नॉन, और अगर नंबर ऑफ कार्बन 10 है, तो इसका नाम होगा डेक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये जो सफिक्स फर्स्ट है, सफिक्स फर्स्ट को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कि यहाँ पर अगर हमारे पास एन है, तो यानी सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, और अगर हमारे पास ईन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और अगर हमारे पास आइन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, ये जो सफिक्स टू है, सफिक्स टू में क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप हो सकते हैं, जैसे अगर सपोज दैट COOH ग्रुप हो, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, तो यहाँ पर जो इसका नाम होगा, मैं सफिक्स टू की बात कर रहा हूँ, यानी सफिक्स की बात करूँगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओइक एसिड आएगा, क्या आएगा, ओइक एसिड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर हमारे पास क्या हो, COCl ग्रुप हो, तो इसका नाम क्या होगा, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा और हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर CHO ग्रुप हो, तो ये इसका नाम होगा अल, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या हो, COOH
आर ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओन, क्योंकि ये कीटोन है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ओ एच ग्रुप हो सकता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑल, क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, आपको फिलहाल ये सारे के सारे जो है यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, सफिक्स 2 में क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ सकता है, यहाँ से एसिड क्लोराइड आ सकता है, यहाँ से एल्डिहाइड आ सकता है, यहाँ से कीटोन आ सकता है, और यहाँ से क्या हो सकता है, अल्कोहल आ सकता है। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है इसको, ये जो हमारे पास तीनों के तीनों ग्रुप हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, इसको कैसे याद रख सकते हैं, अल्कोहल की स्पेलिंग होती है AlCOHOL। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, AlCOL, क्या कर देता हूँ, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल मीन्स एल्डिहाइड, यहाँ से कीटोन हो सकता है, और यहाँ से ओल किस में लगता है, अल्कोहल में, यानी ये अल्कोहल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कीटोन हो गया है, और ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी आप क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग प्रायोरिटी के अंदर आप क्या क्या डिसाइड करेंगे, सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप होगा नंबरिंग वहीं से करनी है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी करना है हमें। उसके बाद क्या हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के अंदर क्या क्या आएगा, डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसके अलावा और किसको प्रायोरिटी देंगे आप, उसके बाद देंगे नंबर ऑफ कार्बन्स को, नंबर ऑफ कार्बन को, और उसके बाद किसको प्रायोरिटी देंगे, सब्सटिट्यूएंट को, सब्सटिट्यूएंट्स। ठीक है, यानी जो साइड चेन में आपका जुड़ा हुआ है उसको सब्सटिट्यूएंट बोल देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है या एटम अटैच हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सब्सटिट्यूएंट बोल देते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर बात करें, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी के अंदर, ठीक है, तो आपको सबसे पहले किसको देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को देना है, यानी COOH ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद किसको प्रियोर करना है हमें, COCl, यानी ये हो सकता है एसिड क्लोराइड, क्या हो सकता है, एसिड क्लोराइड। इसके बाद हम किसको प्रायोरिटी देंगे, CHO ग्रुप को, यानी हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद होता है कीटोन, क्या आता है, कीटोन, यानी COR। ठीक है, इसके बाद किसको प्रायोरिटी देंगे आप, अल्कोहल को, किसको, अल्कोहल। और इसके बाद क्या आता है, एल्केन, यानी हमारे पास डबल बॉन्ड वाले आएंगे स्पीसीज, और उसके बाद क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीसीज आएगी। ठीक है, तो आपको फिलहाल जो है नीट एग्ज़ाम के लिए, अगर आप IUPAC की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, इससे कुछ भी फालतू याद नहीं रखना है। अब देखते हैं हमारे पास एल्केन जो होता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है CnH2n+2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अगर सपोज दैट एल्केन के अंदर से हमने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाती है स्पीसीज एल्किल, क्या हो जाती है, एल्किल। अब एल्किल होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा CnH2n+2-1। ठीक है, यानी ये कहा जा सकता है, अगर हमारे पास क्या है, CH4 है, अगर CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ पर CH4 का नाम क्या हो सकता है, मैथ, आगे क्या लग जाएगा, एन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो CH3 है, मैथ लगेगा, ठीक है, लेकिन आगे क्या लगेगा, YL लग जाएगा, क्या लगेगा, YL, मैथिल। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और C2H6 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका वैसे अगर मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5, इसका नाम हो जाएगा एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल। ये सारे के सारे यहाँ पर, ये जो मैंने एल्किल ग्रुप को डिफाइन किया है, ये क्या है, एक साइड चेन है, इसको हम सब्सटिट्यूएंट भी कह सकते हैं। अगर सब्सटिट्यूएंट के रूप में हमारे पास CH3 कहीं पे अटैच है, तो उसको नाम दिया जाएगा मिथाइल। ठीक है, और अगर सब्सटिट्यूएंट के रूप में हमारे पास C2H5 कहीं पे अटैच है, तो उसको नाम दिया जाएगा इथाइल। ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, प्रोपाइल हो सकता है, आइसोब्यूटाइल हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे भी आएंगे हम वहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका एल्कीन। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n।
अगर हमने क्या कर दिया, इस एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाम इसका, EN YL, ठीक है। यानी ये वाला जो ई था, ये वाला ई मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके थ्रू, YL के थ्रू। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे सपोज दैट हमारे पास एग्जांपल है C2H4, ठीक है, किसका एग्जांपल है, एल्कीन का है। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, टू, और टू का अगर मैं यहाँ डबल कर देता हूँ तो फोर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, अगर मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर जो हमारे पास जो फॉर्मूला बैठेगा वो बैठेगा C2H3, ठीक है। अब ये किसी से अटैच होगा, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब इसका यहाँ पर नाम क्या हो सकता है, एथ, EN YL, एथिनिल, ठीक है। ऐसे ही और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अगर इसको और कैसे लिखा जा सकता है, C3, अब आगे कितने हाइड्रोजन है, 3 एंड 1 4, 4 और 2 6, ठीक है, C3H6 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, C3H कितना, 5। ये किसी से अटैच होगा तो इसका नाम क्या हो सकता है, प्रोपिनिल, प्रोप, EN YL, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है वो कौन सी हो सकती है, वो हो सकती है एल्काइनिल, ठीक है। अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एल्काइन, ठीक है। एल्काइन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें एल्काइन लेना है और एल्काइन के अंदर से एक हाइड्रोजन को माइनस करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा AlkYnYl, यानी ये वाला जो ई है सब्सटिट्यूएंट हो गया किससे, YL ग्रुप से। अब यहाँ से क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, CnH2n, ठीक है, -2 -1, यानी मैंने -1 लगा दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करना है। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हो सकता है C2H2, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा C2H, कितना, C2H, यानी ये किसी से अटैच होगा। तो अब इसका यहाँ पर जो नाम बैठेगा वो नाम क्या हो सकता है, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, ठीक है, YN YL, इथाइनिल, ठीक है, ये इसका नाम है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो सकता है, C3H कितना, हमारे पास H कितना होगा, 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अगर एक हाइड्रोजन को मैं माइनस कर देता हूँ तो माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, C3H कितना हो जाएगा हमारे पास, 3, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइनिल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे अभी तक मैंने जितने भी आपके सामने डिस्कस करे हैं, ये सारे के सारे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हैं, यानी हम इनको कहाँ पर अटैच कर सकते हैं, जो हमारे पास प्रीफिक्स 2 था, ठीक है। अभी प्रीफिक्स 2 जो है हमारे पास लगभग लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें एक ग्रुप और बच रहा है जिसको मैंने बताया था, हेलो। अब हेलो में क्या हो सकता है, जैसे एक्स है हमारे पास, एक्स को हम लिख सकते हैं फ्लोरो, एफ मीन्स क्या होगा, फ्लोरो, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास सी एल होगा, सी एल मीन्स क्या हो सकता है, क्लोरो, ठीक है। और बी आर माने क्या होगा, ब्रोमो, ठीक है। और आई मीन्स क्या होगा, आयोडो। इसके बाद जो है हमारे पास क्या हो सकता है, एक और ग्रुप हो सकता है ए आर, ठीक है। ए आर को हम क्या बोल सकते हैं, एरिल, ठीक है। लेकिन एरिल किसको बोलते हैं, अब हम मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस एरिल के बारे में। यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक बेंजीन होती है, ठीक है। अब बेंजीन के अंदर क्या है, सभी जगह हमारे पास हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने 6 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया है। अगर मैं एक हाइड्रोजन को कहीं से भी रिप्लेस कर दूं, जैसे सपोज दैट मैं इस वाली पोजीशन को यहाँ से क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ या सब्स्टिट्यूएंट कर देता हूँ किसी अदर ग्रुप से, यानी अब ये फिलहाल खाली जगह पड़ी है मेरे पास, तो यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास बेंजीन था, बेंजीन था कब, जब एक हाइड्रोजन था। अब मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, दिखने में बेंजीन जैसा है, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 5 हैं, कितने हैं, 5, यानी ये वाली जो लोकेशन थी, इस लोकेशन को मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट कर दिया, तो अब इसका नाम क्या है, फिनाइल है, क्या नाम है, फिनाइल, ठीक है। इसको हम पीएच से डिनोट करते हैं, किससे, पीएच से, ठीक है। यानी ये एक एरिल ग्रुप है, क्या है, एरिल ग्रुप। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो होगा क्या, प्रीफिक्स फर्स्ट, ठीक है। और प्रीफिक्स फर्स्ट में क्या बताया था मैंने आपको, प्रीफिक्स फर्स्ट में हम बात करेंगे ओनली साइकिलों के बारे में। अब साइकिलों में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये क्या है,
इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन कब होगा जब यहाँ पर सब जगह दो दो हाइड्रोजन लग रहे होंगे। अब मैंने क्या करा, इनमें से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएंगे हाइड्रोजन कितने कितने हो जाएंगे, फाइव हो जाएंगे। कितने? फाइव। यानी ये एक जो है हाइड्रोजन यहाँ से इस वाली लोकेशन से हटा दिया गया है और ये कहीं से अटैच होगा। तो यानी साइड चैन के रूप में अगर ये कहीं से अटैच है, ठीक है, या सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं आप, लेकिन वो किस तरह का है, एक साइक्लो तरह का है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिल। क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिल, प्रोप वाई एल लग जाएगा। ठीक है, साइक्लो तो लग नहीं है, प्रोपिल क्यों लगा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर तीन कार्बन अटैच हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक हमने इस तरह का कोई कंपाउंड ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा लिया है, बाकी सब जगह दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटिल। ब्यूटिल क्यों लगा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो चुका है, और साइक्लो इस वजह से लगा है क्योंकि मेरे पास एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये कंपाउंड आपके सामने है, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज़, यहाँ पर CHO प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है, ये एक एल्कीन सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 5-फॉर्मिल हैग्स 2-ईन 3-ऑन। ठीक है, और जो बी ऑप्शन है वो है 5-मिथाइल 4-ऑक्सो हैग्स 2-ईन 5-अल। ठीक है, और जो सी ऑप्शन है वो है 3-कीटो 2-मिथाइल हैग्स 5-इनल, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 3-कीटो 2-मिथाइल हैग्स 4-इनल। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने जनरल रूल सीखे हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसके बिहाफ पे हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है आपका नीट 2017 में। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको कीटो बताया था, कीटोन। ठीक है, कीटोन के अंदर क्या होता है, एक प्रीफिक्स होगा और एक होगा सफिक्स। सफिक्स में लगता है ऑन, ठीक है, और जो प्रीफिक्स होता है उसमें लगता है ऑक्सो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो दूसरा है यहाँ पर वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड में क्या क्या लगता है वो देख लेते हैं। प्रीफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा। प्रीफिक्स में जो है हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्या, कीटो। ठीक है, या फॉर्मिल भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मिल। दूसरा, सफिक्स में यहाँ पर बात करेंगे अल के बारे में, क्या लग जाता है, अल। और जो हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन, एल्कीन में ओनली सफिक्स यूज़ करेंगे, क्या, ENE। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए, अगर हमारे पास यहाँ पर IUPAC के अंदर कुछ वॉवेल्स होते हैं, जैसे ए हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है, या वाई हो सकता है। कितने वॉवेल्स हैं, फाइव। अगर ये वाले वॉवेल्स यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर में किसी सफिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी सफिक्स के अंदर, तो जो प्राइमरी सफिक्स होता है उसके अंदर जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में ई सबसे लास्ट में जो यूज़ होता है वो नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर मेरे पास क्या होगा, ANE, ठीक है, और ENE और YNE होगा, तो यहाँ से ये वाला जो E दिख रहा है ना आपको, इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जनरल रूल तो हमने देख लिया है। अब सबसे पहले हमने क्या देखा था, वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो है हमने जब देखा था तो वहाँ पर क्या हुआ था, मैंने लिखा था अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या हुआ, एल्डिहाइड आएगा, फिर उसके बाद कीटोन आएगा। तो एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे इस वाली लोकेशन से। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कीटोन है, और उसके बाद कौन सा ग्रुप है, हमारे पास एक एल्कीन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले नंबरिंग करी मैंने 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन ये हो गया। ठीक है, थर्ड पे क्या है मेरे पास, कीटो है। फोर्थ नंबर पे क्या है, ईन है। ठीक है, और फाइव पे क्या है, कुछ नहीं है। और सिक्स, यानी हमारे पास जो सबसे लॉन्गेस्ट चैन बैठेगी वो कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है। यानी जहाँ पर हैग्स दिख रहा है आपको वही ऑप्शन हो सकते हैं। तो हैग्स तो यहाँ पर भी है, हैग्स यहाँ पर भी है, हैग्स यहाँ पर भी है, हैग्स यहाँ पर भी है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है 4 नंबर पर डबल बॉन्ड कहाँ पर बैठ रहा है। तो 4 नंबर पर डबल बॉन्ड यहाँ पर बैठ रहा है, बाकी और भी कहीं जगह नहीं देखने को मिल रहा है, 4EN। ठीक है, यहाँ पर 5EN है, यहाँ पर 2EN है, और यहाँ पर 2EN है। तो आंसर क्या बैठेगा आपका, डी बैठेगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड वोज IUPAC नेम इज 3-ethyl
टू हाइड्रोक्सी, फोर मेथिल, हैग्स थ्री इन, फाइव इनोइक एसिड। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, सबके अंदर स्ट्रक्चर है, आपको इस स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर का नेम जो है इस क्वेश्चन से मैच हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है आपका नीट 2013 में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर देखिए थ्री इथाइल दे रखा है, थ्री इथाइल है, टू पे हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ पर क्या है हाइड्रोक्सी कब लगेगा, मैंने आपको बताया था ये जो OH ग्रुप है ये होता है अल्कोहल, यहाँ पर एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स, प्रीफिक्स में क्या लगता है हाइड्रोक्सी, क्या लगेगा हाइड्रोक्सी, और जो हमारे पास सफिक्स होता है उसमें लगता है ऑल, ठीक है, बाकी सारा का सारा सेम है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन कितने देखने हैं यहाँ पर, हेक्स, यानी छः कार्बन देखने हैं मुझे, तो छः कार्बन कैसे होंगे, सबसे पहले हम मेजर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा ओएच ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी या अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, और तीसरा एल्कीन है और चौथा एल्काइन है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बैठेगा, सी ओ ओ एच पहले तो ये बैठेगा, इसके बाद कौन सा बैठेगा OH ग्रुप बैठेगा, इसके बाद कौन सा बैठेगा डबल बॉन्ड यानी एल्कीन, और फिर बैठेगा एल्काइन, ठीक है। तो ये वाला हमें ऑर्डर को फॉलो करना है, इस ऑर्डर को फॉलो करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, IUPAC जो नोमेनक्लेचर में नेम दे रखा है वो बिल्कुल मैच हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है, और इसको फॉलो करने के बाद क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपके पास चार ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन मैच हो रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा, COH ग्रुप दे रखा है, तो नंबरिंग यहीं से करी है हमने, वन, ठीक है, इसके बाद टू आ गया है, थ्री, थ्री के बाद क्या आएगा यहाँ पर, फोर आएगा, फोर के बाद क्या आएगा फाइव, फाइव के बाद क्या आएगा सिक्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्री पे हमारे पास क्या है, ये दो कार्बन अटैच हैं यानी इथाइल ग्रुप है, और फोर नंबर पे हमारे पास कितने ग्रुप अटैच हैं यानी एक ग्रुप है, इसको मिथाइल बोल दिया, तो थ्री पे क्या है हमारे पास अटैच इथाइल हो गया, और फोर पे क्या है अटैच है मिथाइल, तो फोर पे मिथाइल भी हो गया, और टू नंबर पे क्या है हाइड्रोक्सी है, ठीक है, और वन नंबर पे क्या है हमारे पास ओइक एसिड है, ठीक है, क्या है हमारे पास ओइक एसिड, यहाँ पर कितना लिख रखा है फाइव वाई एन, यानी फाइव नंबर पर क्या है हमारे पास आइन यानी एल्काइन ग्रुप अटैच है, और थ्री नंबर पर क्या अटैच है हमारे पास ईन, यानी थ्री नंबर पर क्या अटैच हो गया ईन भी हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ओइक एसिड लिखा है, ओइक से पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो वन लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है वन, तो वन ओइक एसिड लिखा है यानी वन नंबर से ही स्टार्ट होना है, ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बैठेगा वो ए बैठेगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, द IUPAC नेम ऑफ, ये आपके पास कंपाउंड दे रखा है इज, ए ऑप्शन में दे रखा है वन क्लोरो वन ऑक्सो टू थ्री डाईमेथाइल पेंटेन, जो सेकंड दे रखा है ऑप्शन वो दे रखा है टू एथिल थ्री मिथाइल ब्यूटेनॉल क्लोराइड, जो थर्ड दे रखा है ऑप्शन वो है टू थ्री डाई मिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड, एंड देन फोर्थ दे रखा है ऑप्शन थ्री फोर डाई मेथिल पेंटेनॉइल क्लोराइड। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके पास सामने कंपाउंड दिखा रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले पता हो ये कब आया था, तो ये आपका आया था नीट 2006 में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले एक रफली कंपाउंड बना लिया इसी तरह से, ताकि हम जो है क्वेश्चन को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये भी एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन एंड ये वाला कार्बन हो गया। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन को हमें डिसाइड करना है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चैन कैसे करेंगे, और प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बैठने वाला है, ये तो हमारे पास क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गए, क्या हो गए सब्स्टिट्यूएंट, कितने हैं सब्स्टिट्यूएंट, टू सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, और वो भी कितने कार्बन के, वन वन कार्बन के हैं, यानी इसको मैं मिथाइल कहूँगा, ये मेरे पास क्या है मिथाइल है, और ये भी क्या है मेरे पास मिथाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर मिथाइल है मेरे पास, लेकिन पोजीशन कौन सी है उनकी वो डिसाइड करनी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारे पास COCl ग्रुप अटैच है ये कौन सा है COCl, और COCl ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ठीक है, यानी नंबरिंग हम यहीं से शुरू करेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद देखा जाए तो कौन सा ग्रुप आता है जो नीट के अंदर आ रहा है, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास ऑयल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड ग्रुप आता है, ठीक है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे वन टू थ्री फोर और ये फाइव, तो टू पे मिथाइल है और थ्री पे मिथाइल है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कोमा थ्री
हैं कितने मेरे पास, वन ये है और वन ये है, वन और वन कितने होते हैं, टू। अगर मेरे पास सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं और वो भी सब्स्टिट्यूएंट के टाइप में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगता है, डाई, अगर दो हैं, और अगर तीन होते हैं तो ट्राई लग जाता है, चार है तो टेट्रा लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, डाई, लेकिन ग्रुप कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, वन कार्बन का है, तो डाई मिथाइल, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने हैं, फाइव हैं, तो फाइव में क्या लगेगा, पेंट, ठीक है। आपको कहीं पे भी इसके अलावा डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के बीच में है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो ईन लग जाता, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ये ऑयल क्लोराइड बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑयल क्लोराइड। तो यहाँ पर वैसे सारा सिंगल बॉन्डेड अटैच है तो इसलिए एन लगेगा, क्या लगेगा, एन, तो पेंटेन, ठीक है। अब यहाँ पर पहले नंबर पर अटैच है तो इसलिए पेंटेन नॉइल क्लोराइड, नॉइल क्लोराइड। अब आप ये देख लीजिए ये वाला जो ऑप्शन है किससे मैच कर रहा है, जो आपका थर्ड ऑप्शन दे रहा है, टू थ्री डाईमिथाइल पेंटोनाइल क्लोराइड, ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है किसका, इस वाले कंपाउंड का। आपके सामने एक क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ है नीट 2002 में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 1,5 हेक्स हेक्सीन 9, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है 1-hexene-5-ine, और जो सी ऑप्शन है वो है 1-hexyne-5-ine, और जो डी ऑप्शन है वो है 1,5-hexyne-9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, नंबरिंग देख लेते हैं कैसे करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये दे रखा है। और जो मैंने आपको बताया था जो डबल बॉन्ड होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं पहले किससे, एल्काइन से, यानी एल्कीन ज़्यादा प्रीफर करेंगे, यानी इसको फर्स्ट नंबर देंगे और इसको किस कौन सा नंबर देंगे, सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबरिंग हम इधर से करेंगे, यानी वन यहाँ पर आएगा, टू यहाँ पर आएगा, थ्री यहाँ पर, फोर यहाँ पर, फाइव यहाँ पर, और सिक्स यहाँ पर, ठीक है। सिक्स है यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, सिक्स हैं, तो हेक्स तो आएगा, हेक्स यहाँ पर भी है, हेक्स यहाँ पर भी है, हेक्स यहाँ पर भी, और हेक्स यहाँ पर भी, ये तो हमारे डिसाइड नहीं कर रहा है, हेक्स यानी नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि इसका नाम क्या हो सकता है, ठीक है। अब जो पहले नंबर पर हमारे पास ईन आ रहा है और फिफ्थ नंबर पर आइन आ रहा है, अब आप ये देखिए 1,5 यहाँ पर भी आ रहा है, 1,5 यहाँ पर भी आ रहा है, 1,5 यहाँ पर भी, और 1,5 यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देंगे हम, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हेक्स ईन आइन, लेकिन 1,5 स्टार्टिंग में आ गया। इस तरह से हम नोमेनक्लेचर में डिसाइड नहीं कर सकते किन्हीं भी दो फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास दे रखा है 1-hexene, यानी पहले नंबर पे हेक्सीन है और उसके बाद क्या है, 5-ine है, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है आपका, कैसे, क्योंकि 5 नंबर पे आइन है और 1 नंबर पे हेक्सीन शो कर रखा है, ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-dimethyl-1-dec-4-ine इज, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है आपका नीट 2021 में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने जो है चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, और सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कंपाउंड का नेम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो आपके पास चार ऑप्शन है वो आप करेक्टली मैच कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। अब यहाँ 2,6 पे दे रखा है डाईमेथिल, ठीक है, और 1 नंबर पे हमारे पास दे रखा है क्या, 1-dec-4-ine, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा, ये जो ईन है ये फोर्थ नंबर पे आने वाला है। अब फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं किधर से करेंगे हम नंबरिंग, तो सपोज दैट मैं यहाँ से कर देता हूँ इस वाले कंपाउंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यहाँ पर 7 पे स्टार्ट हो रहा है क्या, ईन, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, सब में क्या है हमारे पास, 10 10 थे हमारे पास, यानी डेक तो बन ही रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग हुई है वो थर्ड नंबर के कार्बन से हुई है और वहाँ पर दे रखा है फोर्थ नंबर पे हमारे पास इन आएगा, तो यानी सेकंड ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर वाले पे देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 नंबर पर हमारे पास डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आंसर गलत है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 1, 2, 3 और यहाँ पर क्या आता है 4, और 5,
6, 7, 8, 9 और ये 10। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर के कार्बन से हमारे पास क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले कंपाउंड को थोड़ा सा अच्छे से हम देख लेते हैं। फोर्थ नंबर से डबल बॉन्ड तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 10 हमारे पास कार्बन से वहाँ पर डैग दे रखा है, ठीक है। अब 2 और 6 पर हमारे पास क्या है, मैथिल ग्रुप है। तो यहाँ पर 2 नंबर पर हमारे पास मैथिल ग्रुप अटैच है, ये रहा, ठीक है। और 6 नंबर का जो कार्बन है इस पर भी मैथिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो यही वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, यही आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है नीट 2021 में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, आपके पास एक एसीटोन दे रखा है। एसीटोन ने क्या करा, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आपके पास C2H5MgBr है, यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, उसके साथ इसने रिएक्शन करी है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करी है, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप था उसमें इसने वाटर के साथ करी है रिएक्शन, और वो भी एसिडिक कंडीशन के अंदर करी है। तो जो प्रोडक्ट बना है उसका IUPAC नेम आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, IUPAC इस तरह से घुमा के भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एसीटोन जो होता है उसका पहले फॉर्मूला देखा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा एसीटोन का, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन। क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। इसका फॉर्मूला होगा CH3CO CH3, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्या होगा, हमें रिएक्शन भी करके दिखानी है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट जो स्टेप था यहाँ पर था C2H5MgBr, ठीक है, और ड्राई इथर था, ड्राई इथर, ठीक है। तो ड्राई इथर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे क्लीवेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर नेगेटिवली चार्ज आएगा और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की, तो बॉन्ड ऐसे माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर आएगा पॉजिटिवली चार्ज। अब ये जो नेगेटिव बना है यानी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड। मैं थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है CH3 CO MgBr, ठीक है। और यहाँ पर क्या जुड़ गया हमारे पास, C2H5, और यहाँ पर क्या था, CH3। अब इसने क्या करा, फर्दर सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो H2O था एसिडिक कंडीशन में, ठीक है, इस H2O को मैंने किस तरह से लिख लिया है, इसको ऐसे लिख लिया H एंड OH, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारे पास ब्रेक होगा तो इस पर आएगा नेगेटिवली चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिवली चार्ज, यानी हमारे पास जो एसिडिक कंडीशन है उसमें वाटर जो है अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जो H प्लस आयन है वो कहाँ पर जाएगा हमारे पास, ये ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो इससे इस पर नेगेटिवली चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन जो है हमारे पास कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ से क्या बन रहा है हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड COH, और यहाँ पर क्या आ गया है CH3, और यहाँ पर क्या है C2H5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसकी नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं हमारे पास ये क्या बन गया है, हमारे पास ये एक अल्कोहल बन गई है OH ग्रुप आने की वजह से। तो लास्ट में क्या आना है, ऑल, तो सब जगह ऑल दिखा रखा है, यहाँ पर भी ऑल है, यहाँ पर भी ऑल है, यहाँ पर भी ऑल है, और यहाँ पर भी ऑल है, ठीक है। अब आपको क्या डिसाइड करना है कि कौन से नंबर के कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर आप ये देखिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे देखेंगे, तो हमने देखा 2 और 1 3 एंड 1 4, फोर कार्बन बैठ रहे हैं। तो फोर कार्बन पे क्या बैठता है, ब्यूट। अब ब्यूट कहाँ कहाँ पर है, एक तो ब्यूट यहाँ पर है, ठीक है, और ब्यूट कहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, तो इसको मैंने C2H5 को थोड़ा खोल लिया है, तो CH2CH3 इस तरह से लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो नंबरिंग किस हिसाब से कर सकते हैं, तो ये जो OH ग्रुप है ये है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप को जो है कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो हमने क्या करा, 1 नंबर यहाँ पर दिया, 2 नंबर यहाँ पर, ठीक है, 3 नंबर यहाँ पर, और 4 नंबर यहाँ पर, ठीक है। तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और 2 नंबर पर जुड़ रहा है साइड चैन यानी सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोल दिया मिथाइल, यानी 2 मिथाइल है हमारे पास। तो 2 मिथाइल यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो ब्यूट भी है, और सारा सिंगल बॉन्ड अटैचमेंट है, तो इसलिए हमने एन लगाया। और 2 नंबर पर हमारे पास क्या अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, तो इसलिए ऑल लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वाली जो वीडियो है ये सफिशिएंट है। इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके क्या होगा, नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन जो मैंने यहाँ पर आपको पूरी फुल वीडियो के अंदर जो ग्रुप्स कराए हैं डिस्कस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक ग्रुप और रह गया है, हेलो कंपाउंड्स, ठीक है। आप जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करिए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसका सॉल्यूशन कराने की। आई होप आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।